ओके स्टूडेंट्स, तो ओके स्टूडेंट्स, सो आवर टुडेज़ टॉपिक इज different methods used to develop plants which can bear fruits and flowers by vegetative propagation are as follows. हमने क्या किया था? हमने किया था asexual reproduction के types को. And now we are going to read about asexual reproduction in plants. Asexual reproduction in plants occurs by their vegetative parts and it is known as vegetative propagation. So there are the following methods by which a plant can propagate vegetatively. These methods are known as stem cutting, grafting, layering. Okay. सबसे पहले है हमारा stem cutting. Stem cutting tells us that this method involves a cutting of a part of the stem that and planting it in the soil to allow the growth of roots and buds into shoots. This involves cutting a part of the stem and planting it into the root and the soil to allow the growth of roots and buds into shoots. देखो, हम एक प्लांट के पार्ट को कट करते हैं. उसको कट करने के बाद वी कट इट बाय नोड. नोड से कट करने के बाद हम उसको सॉइल में जब लगा देते हैं तो नोड से नीचे रूट्स ग्रो करनी शुरू कर जाती है. जब रूट्स ग्रो करनी शुरू कर जाती है तो इवेंचुअली ग्रोथ ऑफ द शूट ऑल्सो टेक्स प्लेस. शुगर केन, पियर एंड चाइना रोज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेम कटिंग्स. व्हाट इज स्टेम कटिंग? बेसिकली this involves cutting a part of the stem and planting it in the soil to allow the growth of the roots and buds into the shoots. grafting ke method mein hamare paas do parts hote hain, scion and the stalk. The stem or bud of the two best quality plants. Suppose karo ek ki root quality achhi hai, wo wala plant le liya. Dusre ki shoot quality achhi hai, wo wala plant le liya. उन दोनों प्लांट्स को लेके हमने कंबाइन कर दिया. कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू प्लांट. इससे हमारे पास क्या आ गया? एक न्यू प्लांट आ गया. और जो न्यू प्लांट हमारे पास वो ग्रो कर गया तो उसकी शूट भी अच्छी होगी, रूट भी अच्छी होगी. एंड इवेंचुअली वी नो दैट इफ अ प्लांट इज ग्रोइंग इट विल प्रोड्यूस फ्लावर्स, फ्लावर्स विल प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड फ्रूट्स के अंदर सीड्स होंगी. एंड उस सीड्स को हम दोबारा लगा सकते हैं एंड उस सीड में जो प्लांट है उसके दोनों के कैरेक्टर्स होंगे. ओके, सो दिस इज द थिंग ऑफ ग्राफ्टिंग, कि एक जिंदा प्लांट को हम अच्छी क्वालिटी का बना सकते हैं. नेक्स्ट मेथड इज लेयरिंग. इन दिस द लोअर ब्रांच ऑफ द प्लांट इज बेंट एंड कवर्ड विद द सॉइल. प्लांट को क्या करते हैं? बेंड करने के बाद उसको सॉइल से कवर कर देते हैं. वंस न्यू रूट स्टार्ट developing on the branch, it is cut from the parent plant and allowed to grow as an individual plant. जब root को soil से cover कर दिया, जब उस part of the plant को soil से cover कर दिया, तो soil के contact में आने के बाद it will eventually grow up into a new plant. ठीक है, उसमें से roots, shoots arise शुरू करनी शुरू हो जाएंगी. And thus it is a very good method of vegetative reproduction, vegetatively produce plants again. Now the next thing is about tissue culture. Tissue culture kya hota hai? We know that the body is made up of cells. Cells cluster up to form the tissue. Tissue cluster up to form the organ. Organ cluster up to form the organ system. Organ system finally forms the organism, the full organism. Tissue culture kya hota hai? Cells from the growing tip of the plant are separated and grown on a nutrient medium
containing all the nutrients and hormones necessary for the plant growth. टिश्यू कल्चर में ना हम मतलब नाइन्थ में आपने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा. तो वो टिश्यू जो है हम लेबोरेटरी में वो टिश्यू ग्रो कर सकते हैं. हाउ? सी, सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट. ग्रोइंग टिप एपिकल है, जो एपिकल मेरिस्टेम है, दैट इज हैविंग द क्वालिटी ऑफ डिफरेंशिएशन एज वेल एज डिविजन. वो डिवाइड भी कर सकती है एंड वो डिफरेंशिएट भी कर सकती है. रूट टिप एंड शूट टिप दोनों को कट करके सेपरेट करके हम न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कर सकते हैं. उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर हमारे पास सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वी शुड हैव ऑल द हॉर्मोन्स दैट आर नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ. ठीक है, तो इवेंचुअली क्या होगा टिश्यू कल्चर में कि टिश्यू है, एक टिश्यू ग्रो कर रहा है. ठीक है, उस सेल्स की हेल्प से हम टिश्यू को ग्रो कर रहे हैं. तो वो टिश्यू, या ऑफ कोर्स वो टिश्यू हाँ देखो, हमें हम सबको पता है कि सेल डिवीजन है, चाहे सेल डिफरेंशिएशन है. ठीक है, सेल प्लस सेल फॉर्म द टिश्यू. सेल्स ले लिए हमने, मतलब कि सेल का थोड़ा सा कोई भी बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स ले लिया तो बेसिकली वो टिश्यू ही होता है. उस टिश्यू का ले लिया, टिश्यू को न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया. अगर हम फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सेल डिवीजन होगी. सेल डिवीजन होगी, देन सेल डिफरेंशिएशन होगी. सेल डिफरेंशिएशन होगी तो हमारे पास टिश्यू का एक पूरा फॉर्म आएगा. बट कीपिंग इन माइंड ऑल द एनवायरमेंटल कंडीशन, कीपिंग इन माइंड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, कीपिंग इन माइंड ऑल द हॉर्मोन्स दैट आर नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ आर नीडेड. हमें वो चाहिए ही चाहिए, विदाउट देम इट इज नॉट पॉसिबल टू कल्चर अ टिश्यू. These cells form a mass called callus. अब टिश्यू जब कल्चर करना शुरू किया, हमने थोड़े से सेल्स लिए, थोड़ा सा सेल्स का मास लिया, उसको क्या बोल दिया हमने, जो मतलब कि न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया. वो थोड़ी देर बाद ग्रो करके सेल्स का मास, आइडेंटिकल सेल्स का मास फॉर्म करेगा, उसको बोलेंगे कैलस. कैलस से छोटे छोटे प्लांट लेट्स डिवेल्प होने शुरू हो जाएंगे. एंड जब प्लांट लेट्स हमारे पास डिवेल्प हो गए तो उसको हम सॉइल में डाल देंगे, न्यू इंडिविजुअल बना देंगे. सपोज करो हमारे पास कोई प्लांट है, ये काम कहाँ पे करता है, काम यहीं पे करता है कि सपोज हमारे पास कोई प्लांट है, वो प्लांट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, हमें चाहिए कि उस प्लांट का क्लोन बना ले. ठीक है, वी डू नॉट वॉन्ट टू मर्ज द कैरेक्टरिस्टिक्स विद एनी अदर पार्ट, वी डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग एल्स. हम क्या चाहते हैं, हम एज इट इज उस प्लांट को क्लोन करना चाहते हैं. तो हाउ कैन वी क्लोन, वी कैन टेक द सेल्स फ्रॉम द टिप. एपेक्स से हम सेल्स ले लेंगे, जब एपेक्स से सेल्स ले लेंगे उसके बाद उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करेंगे. न्यूट्रिएंट मीडियम में सेल्स को ग्रो करने के बाद वील फाइंड अ सेल मास, बेसिकली सेल मास कॉल्ड द कैलस. कैलस से प्लांटलेट्स ग्रो करने शुरू कर जाएंगे एंड प्लांटलेट्स जब ग्रो हो गए उसके बाद क्या हो जाएगा, एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा. कैसे ग्रो हो जाएगा, क्योंकि अगर न्यू प्लांट को हम सॉइल में डालेंगे तो न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा. उस प्लांट को, न्यू प्लांटलेट इज देन ट्रांसफर्ड टू द सॉइल एंड इट इज अलाउड टू ग्रो एज अ होल न्यू प्लांट. अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. न्यू प्लांट्स शो द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दोज ऑफ द पेरेंट प्लांट. पेरेंट और द पेरेंट्स इन द केस ऑफ ग्राफ्टिंग, ये तो एक सिंगल पेरेंट ही होता है, और जो भी वो पेरेंट होता है उसके बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रिजेंबल कर रहा है, दैट इज रिजेंबलिंग द न्यू जो हमारा प्लांट फॉर्म हुआ है वो. दिस मेथड इज फास्टर एंड सर्टेन. दिस मेथड इज कंपैरेटिवली रियली फास्टर इन कंपैरिजन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सर्टेन है यार. देखो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब हम कर रहे हैं, प्लांट का कोई भी एक पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, चाहे टिश्यू कल्चर की हेल्प से ले रहे हैं, चाहे स्टेम कटिंग की हेल्प से, चाहे ग्राफ्टिंग की हेल्प से, चाहे लेयरिंग की हेल्प से, हमें पता है कि ये काम कर ही जाएगा, सर्टेनिटी है उसमें. ठीक है, सो थस इट इज अ सर्टेन मेथड. प्लांट्स नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्सुअली कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड. सपोज करो अगर कोई प्लांट है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं इनफर्टाइल, वैसे प्लांट भी इनफर्टाइल हो जाते हैं. समटाइम्स द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, समटाइम्स द पॉलिनेटर्स आर नॉट प्रेजेंट. ठीक है, बहुत कुछ हो जाता है. तो उस कंडीशन में वी कैन मेक द प्लांट प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली. ठीक है,
और वेजिटेटिवली वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से हम सीडलेट सीडलेस फ्रूट्स भी बना सकते हैं. दैट इज बेसिकली वो पार्थिनोकार्पी के अंदर आता है. बट वी कैन मेक यू नो काफी हम और भी बेनिफिशियल थिंग्स ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस. ओके इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर पूरी आइडेंटिकल बन गया, जो हमारा बेबी प्लांट है, जो हमारा ऑफस्प्रिंग प्लांट है, जो हमारा न्यू वाला प्लांट है, अगर वो पूरा आइडेंटिकल बन गया तो हमारे पास कोई भी किसी भी टाइप की वेरिएशन आ ही नहीं पाई. अगर वेरिएशन नहीं आ पाई तो इवोल्यूशन के लिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया. अब देखो द न्यू प्लांट ग्रोज इन द सेम एरिया एज द पेरेंट प्लांट विच लीड्स टू कॉम्पिटिशन फॉर द रिसोर्सेज. पेरेंट प्लांट से ही कई बार जो है ऑफस्प्रिंग हमारा वो कम्पीट करना शुरू कर जाता है. मोर ओवर एक और चीज, अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं, जिस फेवरेबल कंडीशंस में हम वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर रहे हैं, सपोज करो उसी प्लांट को अगर हम किसी और कंडीशन में ले जाएंगे, किसी और एरिया में शिफ्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है, जैसे इंडिया से लंदन लेके जा रही हूँ, अगर प्लांट ने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया होता फिर तो थोड़े जेनेटिक वेरिएशन आए होते, फिर तो थोड़ी बहुत अडेप्टेबिलिटी के चांसेस होते, लेकिन अभी कोई भी चांसेस नहीं है. So that is a great disadvantage of vegetative reproduction. Now aate hain sexual reproduction kya hai. In the case of sexual reproduction, two gametes or germ cells are formed. Sexual reproduction ki baat kare to sexes involved hote hain, do sex hote hain. दो पेरेंट्स हो या ना हो, सेक्स दो होते हैं इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, गैमीट्स आर इन्वॉल्व. सेक्स सेल्स, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेक्स सेल्स बनाते हैं. सेक्स सेल्स क्या होते हैं? गैमीट्स होते हैं. वन इज द मेल एंड अदर वन इज द फीमेल. मेल गैमीट इज नोन एज पॉलन. पॉलन बेसिकली स्पर्म, ठीक है, स्पर्म के पॉलन के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं, वैसे ही जो स्पर्म होता है दैट इज द मेल गैमीट, है ना. और इन द केस ऑफ ओवा इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड ओव्यूल इन द केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है. अब इसमें दो गैमीट्स या दो जर्म सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज द मेल गैमीट कॉल्ड द स्पर्म एंड द फीमेल गैमीट कॉल्ड द ओवम. दीज आर इन्वॉल्व. ये जो दो सेक्स सेल्स होते हैं दीज आर हैप्लॉइड. ये हैप्लॉइड सेल्स जायगॉट फॉर्म करते हैं बाद में जाके. व्हाट इज दैट? दैट इज अ डिप्लॉइड जायगॉट. जो जायगॉट होता है दैट इज डिप्लॉइड. हैप्लॉइड सेल्स मिलके डिप्लॉइड जायगॉट बना रहे हैं. बोथ स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म अ जायगॉट विच डिवेलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. फर्दर दैट zygote has ability to be converted into the new individual. Let us now start with the sexual reproduction in flowering plants. Jis bhi plant ke upar flower grow kar raha hai us plant ko hum bol rahe hain angiosperm, theek hai. To sexual reproduction flowering plant mein flower is the sex organ. Sexual reproduction ka jo organ hota hai that is a flower in case of plants. अब हम फ्लावर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. पेडिसिल. पेडिसिल इज अ पार्ट सी स्टॉक और द पेडिसिल इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. जो उसकी स्टॉक होती है उससे क्या होता है, जो फ्लावर होता है वो अटैच हो जाता है विद द हेल्प ऑफ टू द स्टेम. थैलेमस. थैलेमस इज अ एनलार्ज फ्लैटेंड टिप ऑफ द स्टॉक. Petals and other parts arise from the thalamus. जो petals हैं, sepals हैं and other parts हैं, जो androecium and gynoecium also, they arise from the thalamus part. Calyx किसको बोलते हैं? Calyx बोलते हैं sepals को. The calyx protects the inner part of the flower in their bud stage. जो sepal होता है ना bud, जब एक flower खुला नहीं होता, open नहीं होता, जब वो एक फूल जो होता है कली होता है ना, तब जो सेपल्स है, बेसिकली सेपल्स आर द ऑर्गन्स दैट आर प्रोटेक्टिंग द फ्लावर.
नाउ कोरोला, कोरोला किसको बोलते हैं? पेटल्स को बोलते हैं। पेटल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को, और नेक्टर भी किसमें प्रेजेंट होता है? पेटल्स में ही होता है। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या होता है? मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, उसको एंड्रोशियम बोलते हैं। इसमें जितने भी स्टेमन्स आते हैं सारे एंड्रोशियम के अंदर आते हैं, कंसिस्ट ऑफ स्टेमन। ईच स्टेमन इज देन मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, एंथर के दो पार्ट्स होते हैं, और स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं एंथर एंड द फिलामेंट। एंड देन वी नो कि एंथर स्टोर्स द पोलन ग्रेन्स, एंथर जो है वो पोलन ग्रेन स्टोर के करने के काम आता है। गायनोशियम, इनरमोस्ट वॉल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज गायनोशियम। गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ पिस्टल्स और कार्पल, जितने भी कार्पल हैं हमारे पास वो किसके अंदर आते हैं? गायनोशियम के अंदर आते हैं। कार्पल के थ्री पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं वैसे कार्पल के थ्री पार्ट्स होते हैं, रियर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दीज आर द थ्री पार्ट्स दैट फॉर्म द गायनोशियम, द फुल कार्पल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखो, ये हमारे पास एक फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर हम अब उस पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। ये जो लॉन्ग स्टॉक है, दिस इज द पेडिसल और द स्टॉक, ये क्या करी है? ये स्टेम से अटैच्ड है बेसिकली, है ना। ये जो पार्ट आपको बिल्कुल बेस पे दिख रहा है, दिस वन इज द थैलेमस, जिसमें से सेपल्स एंड पेटल्स अराइज कर रहे हैं, जिसमें से सेपल्स एंड पेटल्स अराइज कर रहे हैं। Then we are able to see the petals. These are very beautiful petals and beautiful flower के petals हैं। ये क्या काम करती हैं? ये काम करती हैं insects को attract करने का। अब देखो बिल्कुल नीचे आपको green green color का जो दिख रहा है, they are the basically sepals. ये sepals हैं। Let me clear this annotation. अब देखो ये green green जो parts हैं ना, ये हर flower के अंदर आपको दिख रहे हैं। These are the sepals. सेपल का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट द फ्लावर इनटू द बड, व्हेन दे आर इन अ बड स्टेज, है ना, बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। नाउ अब हम इस फ्लावर को बिल्कुल जूम करके देख रहे हैं। नाउ वी आर एबल टू सी दैट दिस इज द कार्पल। ये जो है ये है हमारा, ये कार्पल है। कार्पल के अंदर हमारे पास थ्री पार्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज द स्टिग्मा, देन वन इज द Then is the style. Style जो है, style नीचे ovary तक पहुंचता है। Ovary is the last part and the main part of the flower, जिसके अंदर क्या होते हैं? Ovules होते हैं। Ovules के अंदर हमें जो हमारा male gamete है, pollen grain है, basically वो जाता है and then fertilization cause करता है। अब जो येलो येलो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द स्टेमेंट्स, दीज आर द स्टेमेंट्स। स्टेमेन के भी दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड द फिलामेंट। ये जो फिलामेंट है, ये एंथर, ये येलो पार्ट है, दैट इज द एंथर। एंड ये जो लॉन्ग 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 जहां पे ये अटैच्ड है टू द थैलेमस, थैलेमस तक ये पहुंच रहे हैं ना किसी भी तरीके से, तो वो कहां से पहुंच रहा है? विद द हेल्प ऑफ द फिलामेंट। नाउ दोबारा से पहुंचते हैं अपने काम पे, दैट इज द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर दैट वी वर रीडिंग। पॉलिनेशन, हमने देखा कि फ्लावर में एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। जो मेल पार्ट होता है वो प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स, एंड पॉलन ग्रेन्स को जाके फीमेल पार्ट के अंदर मर्ज होना होता है। अगर वो मर्ज नहीं होगा तो इट विल नॉट एबल टू फॉर्म द जायगोट, इट विल नॉट एबल टू फॉर्म द फ्रूट एंड द सीड रिस्पेक्टिवली। Thus, pollination is a very important process that has to take place in the life span of a flower. Pollination होता क्या है?
Pollination is the transfer of the pollens from anther to the stigma of the same plant or different plant of the same species. Okay? Same flower में जा सकता है, same flower, या different flower में जा सकता है, same plant पे जो दो flowers लगे हैं उस पे जा सकता है, या फिर same type of flower, species same होएंगी, जैसे कि rose rose के ऊपर जाएगा, rose sunflower के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? अगर जाएगा भी तो वो fertilize नहीं हो पाएगा, that is pollination. ये पॉलिनेशन करता कौन है? ये पॉलिनेशन हवा की हेल्प से हो सकती है, पानी की हेल्प से हो सकती है, रेन की हेल्प से हो सकती है, बट मेजरली किसकी हेल्प से होती है? इंसेक्ट्स की वजह से, बटरफ्लाइज की वजह से, हनी बीज की वजह से, ठीक है? सो दिस इज पॉलिनेशन. इसलिए आपको आप देखते हो कि जहां पे फ्लावर्स होते हैं वहां पे इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब जहां पे फूल है वहां पे भंवरे भी हैं. तो इंसेक्ट्स को नेक्टर मिलता है, बदले में जो इंसेक्ट्स हैं वो पॉलिनेशन कर देते हैं, ठीक है? दिस इज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अ फ्लावर एंड अ इंसेक्ट. कि फ्लावर उनको बेनिफिशियली बेनिफिट कर रहा है और इंसेक्ट भी फ्लावर को बेनिफिट कर रहा है. पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज. टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, द सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन. The transfer of the pollen grains from the anther to the stigma of the same flower is known as self-pollination. Self-pollination है कि एक flower का pollen grain उसी flower के carpel के अंदर जा रहा है, that is self-pollination. Cross-pollination है कि एक flower का pollen grain दूसरे flower के ऊपर, दूसरे plant के ऊपर जा सकता है, या same plant के ऊपर दूसरे flower पे जा रहा है, that is cross-pollination. Different agents help to bring out cross-pollination. They are insects, wind, water. Self-pollination तो खुद ब खुद हो जाती है in one way or the other, but for cross-pollination we have to have need of agents, जो agents हमें help करते हैं. Now there is fertilization. What fertilization means? The process of fusion of male gamete, male gamete मतलब pollen grains के अंदर जो male gametes हैं वो, to form a zygote is called fertilization. Inside the ovule, ये आपको diagram दिख रही है, ये pollen grain है. Basically, ये pollen grain अपना सारा रास्ता cross करके to the style, through the style, it will go to the ovary. Ovary part में ovules के पास पहुंचेगा, ovules के अंदर egg होती है. Egg के पास जाके ये male gamete क्या कर जाएगा? Fuse कर जाएगा. Male gamete will fuse and eventually form a zygote, and this process is called fertilization. The process of fusion of male gamete with the female gamete to form zygote is called fertilization. Okay, so inside the fertilization, when the pollen grains settle on the stigma, they form a tube called the pollen tube. देखो क्या होता है कि एक pollen grain उड़ के आ गया, उठ के कहाँ पे आएगा? वो स्टिग्मा के ऊपर आएगा. जब वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंच रहा है तो स्टिग्मा से जो पॉलन ग्रेन है, स्टॉक ऑफ द कार्पेल मतलब स्टाइल, स्टाइल से होके वो कहाँ पे जा रहा है? स्टाइल से होके वो ओवरी की तरफ जा रहा है. ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स. ओव्यूल्स के अंदर क्या होती है? एग होती है, ठीक है? मतलब ओव्यूल्स आर द, ओव्यूल्स के अंदर जो एग है दैट इज द फीमेल गैमीट, एंड जो हमारे पास ओवरी है, एंड जो हमारे पास पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स हैं, दे आर द मेल गैमीट्स. खास आपको पता चल गया, मेल गैमीट्स हैं जो पॉलन ग्रेन्स के अंदर फॉर्म होते हैं, फीमेल गैमीट्स किसके अंदर फॉर्म होते हैं? ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर. अब ये दोनों मिल जाएंगे और ये मिलके क्या बना देंगे? जायगोट. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. ये कैसे करता है? स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं. व्हेन पॉलन ग्रेन्स सेटल ऑन द स्टिग्मा, दे फॉर्म अ ट्यूब कॉल्ड पॉलन ट्यूब. पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाते हैं तो वो पॉलन ट्यूब बनाते हैं. वो पॉलन ट्यूब क्या करती है? दिस पॉलन ट्यूब देन गोज थ्रू द स्टाइल. देखो ये पॉलन ग्रेन है,
ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे पहुंचा, उसने पॉलन ट्यूब की हेल्प से स्टाइल में से निकलते हुए इवेंचुअली अपना ओवरी में से ओव्यूल में से रास्ता बना लिया, और उसने क्या कर दिया, एग को जाके फर्टिलाइज कर दिया। द पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल ऑफ द फ्लावर एंड एंटर्स द ओवरी। द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब dissolves to release the pollen grain into the ovary. अब tip of the pollen tube है ना, वो ovule के अंदर चली जाती है, ovary के अंदर चली जाती है ovule तक पहुंचने के लिए, और ovary के अंदर female gamete है, जो ovary के अंदर ही pollen grain पहुंच गया, male gamete ovary के अंदर ही female gamete पड़ी है, तो वहां पे जाके दोनों की क्या हो जाती है, fusion हो जाती है, and दोनों क्या बना लेते हैं, दोनों बना लेते हैं एक zygote. तो जायगॉट क्या होता है, जायगॉट इज अ हैप्लॉइड, एंड वो क्या था, दैट वाज हैप्लॉइड। नाउ फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जायगॉट बन गया, कहां पे बना, ओवरी के अंदर जाके बना जायगॉट। अब ये जायगॉट क्या करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद डिवाइड करेगा, देन उसमें एक न्यू प्लांटलेट में बदलने की क्या होएगी, कैपेबिलिटी या एबिलिटी होएगी। नाउ सी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी एनलार्जेस एंड फॉर्म्स अ फ्रूट। ओवरी बड़ी होने के बाद क्या करती है, एक फ्रूट बना लेती है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद। साइंटिफिकली द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी, पकी हुई जो ओवरी है, फर्टिलाइज होने के बाद जो ओवरी पक जाती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रूट। बेसिकली जो फ्रूट हम खाते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, राइप एंड ओवरी। द फ्रूट इज नथिंग बट राइप एंड ओवरी। ऑल पार्ट्स अदर देन ओवरी ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। ओवरी कहाँ पे थी, ओवरी थी फ्लावर के अंदर, फ्लावर में पेटल्स भी थे, सेपल्स भी थे, एंड्रोशियम मतलब कि स्टेमेन थे, है ना, कार्पेल थे, पिस्टल थे, सब कुछ था। कार्पेल का ओनली ओवरी पार्ट रह जाता है, बाकी सारा क्या कर जाता है, झड़ जाता है, ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, टूट के नीचे गिर जाता है ग्राउंड पे, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ऑल द पार्ट्स ऑफ अदर देन द ओवरी ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। टोमैटो, लेडी फिंगर एंड ब्रिंजल आर ऑल फ्रूट्स। बेसिकली स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंस, जिस भी फ्रूट के अंदर आपको सीड दिख रही है ना, वो जिस भी फ्रूट है, चाहे वेजिटेबल है, जिसके अंदर सीड है, दैट इज द फ्रूट। बॉटनी में वेजिटेबल नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, ये सिर्फ एक इंग्लिश का वर्ड है या अदर लैंग्वेजेस का वर्ड है। बॉटनी में कुछ भी वेजिटेबल नाम का नहीं होता है। पोटैटो है, पोटैटो के अंदर कोई भी सीड नहीं है तो इट इज नॉट अ फ्रूट। बनाना है, बनाना के अंदर कोई भी सीड नहीं है तो इट इज नॉट अ फ्रूट, ठीक है। बेसिकली इट इज अ फ्रूट बट इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट, ठीक है। कैरेट है, रेडिश है, इनके अंदर कोई सीड नहीं है तो ये भी फ्रूट्स नहीं होते। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ब्रिंजल की, लेडी फिंगर की, टोमेटो की, इन सब में क्या पाए जाते हैं, इन सब में पाए जाते हैं सीड्स, तो ये वेजिटेबल्स नहीं है, ये फ्रूट्स हैं। ऑन द अदर हैंड मैंगो है, एप्पल है, ठीक है, एप्पल इज ऑल्सो काइंड ऑफ फॉल्स फ्रूट, पियर इज ऑल्सो काइंड ऑफ फॉल्स फ्रूट, पर जिसमें भी सीड है दैट इज अ काइंड ऑफ, दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ फ्रूट। सो ये जो फ्रूट्स वाला कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फ्रूट्स आर द बेसिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट।